इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज जीतने के लिए हार्दिक पांड्या करेगा बदलाव। तीसरा T20 में ऐसी होगी भारत की प्ले कला। बनाकर आप भी जाना चाहते तो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करो, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल इसके सपोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना टाइम इसके वीडियो शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। बात है टीम को दूसरे T20 मैच में 16 रन से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आप तीसरे T20 मैच जीतने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या को कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं। आज जानते हैं कैसे हो सकती है तीसरे T20 के लिए प्लेइंग 11। पहले दोनों ही मैच में T20 में सुमन गिल बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं। उनके बल्ले से रन निकालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने पहले T20 में 7 रन और दूसरे T20 में 5 रन बनाए थे। ऐसे में सीरीज जीतने के लिए तीसरे T20 मैच में उनकी जगह रुद्राज गायकवाड को मौका मिल सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव उतरना तय रहा है। सूर्य कुमार यादव पिछले तूफानी हाल में सूर्य लगी थी। चौथे नंबर पर राहुल त्रिपाठी और एक मौका मिल सकता है। वहीं पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या का उतरना तय है। हार्दिक पांड्या और बल्ले से कमाल खेल दिखाने के माहिर प्लेयर है। छठे नंबर पर दीपक हुड्डा की जगह वसील सुंदर को मौका मिल सकता है। सुंदर को श्रीलंका के खिलाफ एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया है। दूसरे T20 मैच में भारतीय तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। हार्दिक सिंह को नहीं 7 रन के फेंका था। वहीं युजवेंद्र चहल ने अपने नाम पर अपने प्रदर्शन का नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या मुकेश कुमार को डेब्यू करा सकते हैं। ओमरान मलिक और शिवम माबी को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल जितने ही जो अच्छे दोपहरी पारी से खेलते हैं उन्हीं टीम में जीत दिलाई पाते हैं। तो आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगे हमें कमेंट करें जरूर बताइएगा। साथ ही सेकंड फोर्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।